नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में दो वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 से 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजेगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 21,000 से अधिक हुए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शीतकालीन खेल आज से शुरू होंगे और नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत 1 विकेट पर 77 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जाएंगे। श्री मोदी सुबह लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे और उत्तर प्रदेश निवेश के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास की गतिविधियों ने राज्य में अनेक निवेशकों को आकर्षित किया है। श्री मोदी ने कहा कि इससे राज्य में युवाओं के लिए अवसरों का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये सम्मेलन राज्य में बड़ा निवेश लाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 आज से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगा। राज्य सरकार ने इस सम्मेलन की सफलता के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। विभिन्न राज्यों और यहां तक कि विदेशों से भी उद्योगपति और निवेशक लखनऊ पहुंच चुके हैं। पिछले 6 महीने से देश के विभिन्न हिस्सों में और यहां तक कि विदेशों में भी निवेश को आमंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से बैठकें और रोड शो किए गए थे। पहली बार स्थानीय निवेशकों को लुभाने के लिए जिला स्तर पर भी रोड शो और बैठकों का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। ये सम्मेलन नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाएगा, जहां वे सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने और आपसी साझेदारी बनाने पर विचार करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि इसमें 27,00,000 करोड़ रुपए के निवेश आने की संभावना है। विदेशी कंपनियां बड़े कॉरपोरेट देश में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं और उसी क्रम में जब उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल गया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में, तो पाया कि बहुत सारे विदेशी निवेशक हैं, वो उत्तर प्रदेश भी आना चाहते हैं। तो उसी क्रम में जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के सभी प्रमुख शहरों में भी निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए। सरकार द्वारा बनाई गई निवेशक की फ्रेंडली नीतियां हैं उनको देखकर और जो एक इकोसिस्टम बिजनेस का बना है, इंडस्ट्री का बना है, उसको देखकर लगभग 27,00,000 करोड़ तक के निवेश को आने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। श्री मोदी कई सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ और दाऊदी बोरा समुदाय के परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई सोलापुर और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेनें महाराष्ट्र के सिद्धेश्वर, अक्कलकोट, तुलजापुर, आलंदी, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी, शनिशिंगणापुर जैसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों के बीच बेहतर रेल संपर्क स्थापित करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड का दूसरा चरण तथा कुरार अंडरपास का लोकार्पण करेंगे। इससे मुंबई में ट्रैफिक की समस्या कम होने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मरोल में सैफी अकादमी के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। यह दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से प्रार्थना के साथ जीवन भावसार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के भुवनेश्वर में ज्ञान प्रभा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। वे भुवनेश्वर में रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति कल कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। त्रिपुरा में बृहस्पतिवार को मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।
इस बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 200 अतिरिक्त कंपनियां कल त्रिपुरा पहुंची। इससे पहले त्रिपुरा में 200 कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। बरदोलोई सीट पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पिछले साल के उपचुनावों की तरह इस बार भी अगरतला शहर के टाउन बोर्डोले सीट पर मुख्यमंत्री मानिक शाह और कांग्रेस के प्रत्याशी आशीष कुमार शाह के बीच सीधे मुकाबला होने की संभावना है। पूर्व टीएमसी और भाजपा नेता तथा 3 बार के विधायक आशीष कुमार शाह पिछले साल भाजपा छोड़कर फिर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 47,000 मतदाता है। वैसे तो यहाँ कुल 3 उम्मीदवार है, लेकिन इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होने की पूरी संभावना है। दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मतदाता को रिझाने में लगे हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है। मेघालय में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 375 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए, जबकि नागालैंड में 225 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र की जांच के बाद 200 नामांकन पत्र वैध पाए गए। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कल 7 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। तीनों राज्यों में 2 मार्च को मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। तीन महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का प्रक्षेपण करेगा। प्रक्षेपण गिनती आज सुबह से शुरू हो गई है। रॉकेट से कुल 175 किलोग्राम के 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इनमें प्रेक्षण उपग्रह जानुस्वन और आजादी सेट शामिल हैं। सभी उपग्रह 450 किलोमीटर की समतल कक्षा में परिक्रमा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार लोगों की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं से प्रेरित है। सरकार मुद्दों का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। श्री मोदी कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कार्य करने की एक नई संस्कृति विकसित की है, जिसका लाभ समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में देश का अपेक्षित विकास नहीं हुआ, जबकि उस दौरान छोटे छोटे देशों ने भी सफलता की ऊंचाइयों को हासिल किया। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं, जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं, और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने FM रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श जारी कर संबद्ध पक्षों से टिप्पणियां और विचार मांगे हैं। लिखित टिप्पणियां 9 मार्च तक जबकि जवाबी टिप्पणियां 23 मार्च तक भेजी जा सकती हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश का उद्देश्य राज्य में भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना और इसे एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाना है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप में अब तक 21,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। मलबे में अब भी कई लोगों के फंसे होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अत्यधिक ठंड के कारण बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। संयुक्त राष्ट्र का पहला सहायता दल विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिमी सीरिया पहुंच गया है। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आज से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू होंगे। इन खेलों से देशभर के 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन के उद्घाटन में शामिल होंगे। श्री ठाकुर कल गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट पहुंचे। उन्होंने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की और कहा कि पूरा देश गुलमर्ग की बर्फ से ढकी चोटियों पर इस महाखेल आयोजन की प्रतीक्षा कर रहा है। नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन भारत 1 विकेट पर 77 रन से आगे खेलेगा। रोहित शर्मा 56 और रविचंद्रन अश्विन बिना खाता खोले क्रीज पर हैं। कल ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 177 रन पर सिमट गई। रविन्द्र जडेजा ने 5 और अश्विन ने 3 विकेट लिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। निकल पड़े स्वाधीनता के मतवाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। सुनिए स्वराज का ऑडियो संस्करण शनिवार को पूर्वान्न 11 बजे से ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद विमलेंदु। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का जवाब अखबारों की बड़ी खबर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है मोदी का विपक्ष को जवाब, देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी। मोदी ने बताया क्या है सच्ची धर्मनिरपेक्षता। कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरा और सरकार की योजनाएं गिनाई। उच्चतम न्यायालय कलेजियम के प्रस्ताव पर जनसत्ता का शीर्षक है, 10 प्रस्तावों पर सरकार ने पुनर्विचार करने को कहा। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में दी ये जानकारी। उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं 69,000 से अधिक मामले। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशक महाकुंभ पर अमर उजाला लिखता है 27,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद, 40 देशों के 600 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे, 10 देश हैं साझेदार। राजस्थान पत्रिका प्रकृति का वरदान शीर्षक से लिखता है देश में पहली बार मिला लिथियम का बड़ा भंडार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59,00,000 टन लिथियम भंडार का पता लगाया। लिथियम को भविष्य की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हिंदुस्तान की खबर है सरकारी विभाग एकल खिड़की व्यवस्था से जुड़ेंगे, कारोबारी मंजूरी और अनापत्ति प्रमाण पत्र एक स्थान पर मिलेगा। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है ऊर्जा बदलाव को देख कंपनियां बदलने लगी हैं रणनीति। ओएनजीसी, आईओसी और गेल तैयार कर रहे हैं भावी नीति। एनटीपीसी भी बदलने लगी है प्रकृति। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के हैं दो बड़े सेक्टर। हिंदुस्तान की खबर है सर्वाइकल कैंसर का टीका इस माह से मिलेगा बाजार में। 2 खुराकों की एक शीशी की कीमत 2,000 रूपये। सीरम इंस्टीट्यूट ने डीबीटी गेट्स फाउंडेशन के साथ तैयार किया है ये टीका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में 2 वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 से 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शीतकालीन खेल आज से शुरू होंगे और नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत 1 विकेट पर 77 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।